मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई चैनल। और आज जो ट्रैवल होने वाली है वो भुवनेश्वर टू पारादीप होने वाली है। और सोच रहा हूँ कि ओमपी होके जाऊँ या जगतपुर होके। जगतपुर होके जाऊँगा तो सालेपुर आएगा और वहाँ पे बहुत बड़ा मिठाई का दुकान है, वहाँ पे खाकर ब्रेकफास्ट बना के मतलब बन रहा होगा, वहाँ पे खा के जाऊँगा। लेकिन देख रहा हूँ क्या हो पा रहा है। और आइए मिलते हैं ये जर्नी में। और पारादीप जो है वो ईस्ट का सबसे बड़ा बंदर है जो भारत के ईस्ट जोन में आता है। और होगा तो मैं आपका वो वीडियो बनाऊंगा पारादीप के अंदर में जाके। सर गाड़ी को अलाउ नहीं करेंगे, फिर भी जो बाहर से जितना हो पाएगा उतने का वीडियो में बना दूंगा। तो निकलते हैं, स्टार्ट करते हैं पारादीप की जर्नी। और मजा आ रहा है मेरे को। जस्ट नाउ आई एम डिसाइडिंग कि हम चलते हैं वो जगतपुर होके पारादीप, और वहाँ पे वो आएगा देवरिया चौक, वहाँ से हम लेंगे, ऊपर से जाएंगे ओवरब्रिज है वहाँ पे पारादीप के लिए। और वहाँ पे एक सालेपुर है, वो मिठाई का दुकान है, वो बहुत बड़ा है, वो फेमस दुकान है, वहाँ पे थोड़ा नाश्ता करके निकलेंगे। तो जस्ट राइट नाउ आई एम डिसाइडिंग दैट, देन लेट्स सी क्या होता है। और अच्छा लग रहा है, मतलब चलो एक एक्साइटिंग टूर हो जाएगा आज ऑफिशियल। और ग्राउंड वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, दैट्स गुड। कल का प्लान है हावड़ा जाने का वंदे भारत एक्सप्रेस से। अगर आज सब सही होता है तो कल वंदे भारत में निकलेंगे। अगर सही नहीं होता है तो पता नहीं, मैं अपने बॉस से पूछना पड़ेगा इसके लिए। जो समंदर है हमारा ये है महानदी, तो जो इधर से होते हुए छत्तीसगढ़ के निकल कर और जा रहा है उधर, और जाके समंदर जो है बंगाल पूर्वी खाड़ी से बोलते हैं, वहाँ पे जाके मिलता है। तो इसी मतलब मेरा एक्चुअली ये डिसाइड था कि नदी के साइड में चलेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो चलिए निकलते हैं, यहाँ पे काम भी ऑफिस का। जगतपुर का रास्ता हमने ले लिया है यहाँ से, तो यहाँ से हम जगतपुर के लिए निकल रहे हैं जो रास्ता है। और बहुत कंजेस्टेड है यार ये रास्ता, मतलब ओनली टू वे है। और यहाँ पे मतलब अपने इच्छा से सब गाड़ी चला रहे हैं, कहीं ना कहीं बस वाला अपनी इच्छा से गाड़ी रोक देते हैं। ये सबसे मतलब बेकार है, एक बस स्टॉप होना चाहिए, हर जगह पे बस वाला रोक के जा रहा है। ये वो सामने में जो बस जा रहा है हर जगह पे रोक रहा है वो सारा। चलो कोई नहीं, ये रास्ता ठीक है, चलो चलते हैं। और यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टॉपेज आएगा मेरा सालेपुर पे, वहाँ पे रुक के थोड़ा कुछ ब्रेकफास्ट करना है। और ये पहले सालेपुर का जो जगह है मिठाई का दुकान, ये देखो रुका फीस, देखो रुका फीस। ओवरटेक करके भी नहीं जा सकते क्योंकि दूसरे तरफ से गाड़ियां आ रही है। ये जो सालेपुर है वो मतलब बहुत पुराना उड़ीसा का पुराना मिठाई दुकान है। और वो पहले क्या होता था वो इतना मतलब मॉडर्नाइज नहीं हुआ था लास्ट कुछ साल से, मतलब 6-7 साल वो मॉडर्नाइज हुआ है और मॉडर्न टाइप का वो दे रहा है, पहले ऐसा नहीं था। फाइनली आके पहुंच गया हूँ यहाँ पे, वो पीछे दिख रहा होगा विकरानंद कर रसगुल्ला वहाँ पे, और कुछ टिफिन वगैरह करना है। इट्स ऑसम awesome.
मुझसे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का खाना। और जब ये रूट मेरे गांव की तरफ जाता है, जब भी मैं इस रूट से जाता हूँ, यहाँ पे खा के जाता हूँ ज़रूर। चलिए अंदर में मिलते हैं, देखते हैं क्या क्या बना होगा आज ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट हो गया और एक चीज़ बोलूँ, मज़ा आ गया। ओ तो निकल पड़ा हूँ पारादीप की ओर, कि पूरा बारिश का मौसम है पूरा, और कभी भी कहीं पे भी शुरू हो जाएगा। एक बार शुरू हुआ तो अब वो थमेगा नहीं। रह रहा है रास्ता थोड़ा सा, ठीक है चलो कोई नहीं, आराम से आगे पहुंचते हैं। अभी दूरिया चौक जाना है, वहां से फिर ओवरब्रिज लेके सीधा पारादीप महानदी के साइड साइड में निकलेंगे, नजारा अच्छा रहेगा। मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा और शेयर करूंगा आपके साथ। और ये दूरिया चौक है और यहाँ से ऊपर जाना है हमें पारादीप की ओर। रास्ता पूरा NH का है और
पारादीप की ओर रास्ता जाता है। लगभग ऐसे ही 30 किलोमीटर हो गया है, मतलब लाइन ऐसे में लगे हैं, लगभग 30 किलोमीटर हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं महानदी यहाँ से गया हुआ है। दो जगह पीछे से गया था, मतलब बहुत जाम था इसलिए नहीं कर पाया वीडियो शूटिंग। अगर आप देख सकते हैं कितना पानी है यहाँ पे, बहुत। गाड़ी को यहाँ पे रोक भी नहीं सकते हैं क्योंकि ट्रक सारे लगा हुआ है यहाँ पे और धीरे धीरे जाना मुनासिब है। और बहुत पुराना ब्रिज है ये सब, और ये डायरेक्टली पारादीप पोर्ट के अंदर जाने के लिए सारे ट्रक्स हैं। थोड़ा मतलब मुश्किल एरिया है जहाँ पे आप कर भी नहीं पाएंगे ज़्यादा शूटिंग। आगे जाने के बाद मैं फिर से स्टार्ट करूँगा रिकॉर्डिंग। ओके, बारिश तो हो रही है शायद महानदी का जो मुहाना, जो जहाँ पे वो जिसके साथ मिलता है समंदर के साथ, शायद वहाँ पे हम जा नहीं पाएंगे। फिर भी कोशिश ये देखते हैं क्या होता है। ये जो ये साइड में जिंदल का स्टील प्लांट है और ये सीधा जा रहा है और आगे समंदर आएगा, और ये सारा कुछ महानदी का तटीय इलाका है जिसको बोलते हैं बैंक ऑफ रिवर। और ये बारिश थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हो रहा है और ये रास्ता पड़ा हुआ है पूरा एकदम से। यू कैन सी दिस, आप देख सकते हैं समंदर, एक साइड समंदर है पूरा, आप देख पा रहे हो पूरा गहरा समंदर, और दूसरी साइड महानदी का जल है जो आपको यहाँ पे पूरा शांत दिख रहा है। और यहाँ पे दोनों जल, मतलब महानदी और समंदर का जल यहाँ पे मतलब मिलते हैं आके। और उस तरफ पोर्ट है तो जहाँ वहाँ पे भी जाना है, हम एक बार घूम के आएंगे। ये पूरा समंदर का एरिया है और दूर दूर तक फैला, मतलब इस तरफ तो आपका महानदी आ जाता है, फिर भी आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा। नदी में भी तेज तेज पानी, आप देख सकते हो कैसे आके लहरें आके टकरा रही हैं। इससे पता चल रहा है कि समंदर ही नदी को पुश कर रहा है यहाँ पे, वहाँ से नदी आ रही है, यहाँ से समंदर। वहाँ पे लिखा हुआ है वाटर करेंट इज वेरी हाई डेंजर, सो कोई जब कोई आना चाहेगा घूमने के लिए तो प्लीज़ बी इंश्योर की सुरक्षित रहना और संभल के ही यहाँ पे घूमना। इतना आ रहा है कि यहाँ तक पानी आ जा रहा है, इतना करंट है पानी में। लेकिन देखने वाला नज़ारा तो है यहाँ पे। उस तरफ पोर्ट है, वहाँ पे भी जाना है मेरे को। वो जहाँ पे महानदी और समंदर जहाँ पे देखे अभी, जहाँ पे एक पॉइंट पे दोनों मिल रहे हैं, को देखने के बाद अभी मैं निकला हूँ पोर्ट की ओर। एक बार पोर्ट घूम के फिर घर निकल जाऊँगा। ऑफिस का काम लगभग ख़त्म हो गया है और कुछ है नहीं, अभी
इंडियन ऑयल HPCL बड़े बड़े कंपनी का यहाँ पे रिफाइनरी है यहाँ पे, और इसके बीच में ही निकल रहा हूँ मैं, हल्की हल्की हो रही है। तो इसको मतलब एक बार पोर्ट घूमने के बाद फिर मैं निकल जाऊँगा घर के लिए। ये रास्ता आप देख सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा रोड है, इस तरफ समंदर है और रोड के साइड में इतना अच्छा मतलब काम किया गया है, लोगों को योगा के बारे में स्टैचू की तरह बताया गया है, वो एक्चुअली सूर्य नमस्कार है। ये पीछे पोर्ट गया और होगा तो एक बार जाऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा देखने के लिए पोर्ट उसके अंदर। और ये तो पूरा एकदम समंदर है, इस तरफ समंदर ही समंदर है, लाइट हाउस। यहाँ से घुमाता उसके अंदर में रोड है जाने के लिए, तो एक बार जाके घूम के आ जाऊंगा। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा पारादीप पोर्ट, जिस किसी ने भी बनाया हो, या पारादीप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पूरा अच्छे से बनाया है और वो सामने समंदर है। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा काम हुआ है यहाँ पे, ग्रेट। दिस इज लाइट हाउस ऑन साइड में, ठीक उसके राडर है जो कुछ सारे गतिविधियों पर नज़र रखा हुआ है पानी जहाज़ों की। और यहाँ पे शाम को पहली लाइट यहीं पे जलती है, और ये क्या करती है ना, रात को डायरेक्शन का काम करती है लाइट हाउस, और सबको ये करती है मतलब डायरेक्शन दिखाती है कि आपको यहीं पे आना है करके। सो इट्स क्वाइट गुड, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे भी एक्वेरियम करके है, पर टाइम नहीं है, निकलेंगे, शाम होने वाली है, निकलेंगे। ये रहा पारादीप पे लगा हुआ है सारा जहाज, और ये कार्गो पॉइंट है जहाँ पे जहाज़ सब आती हैं और लगती हैं। और देख कितने सारे जहाज लगा हुआ है, कितने बड़े बड़े जहाज। ये क्या होता है ना, पानी इतना शांत क्यों है, नदी का पानी है, पानी का लेवल बढ़ जाता है जब अंदर आता है ये जहाज सारे। कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए छोटे छोटे पोर्ट भी लगा हुआ है, बड़ा जहाज भी है। लुक एट माय कार, पूरा गया गुजरा होके रखा हुआ है, जैसे लग रहा है मैं कहीं आ रहा हूँ मतलब पोर्ट से। तो देखो देखने से पता चल रहा है इतना मेला हो के रखा हुआ है।